फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मोबाइल का डाटा जो नेट दिन भर में कितना यूज होता है उसको हम लोग कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ नोटिफिकेशन बार में जो यहाँ पर शो होना चाहिए था शो नहीं हो रहा है। उसके बाद में जो नेट का स्पीड, जो कितना स्पीड से नेट चलता है वो भी शो नहीं कर रहा है। यहाँ पर दिखना चाहिए था लेकिन नहीं दिख रहा है, शो नहीं हो रहा है। तो हम लोग उसको कैसे इनेबल करें, तो आज की वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सब वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सेटिंग में जाइए, सेटिंग में क्लिक कीजिए। उसके बाद में नीचे आ जाइए, यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन स्टेटस बार, इसमें आप क्लिक कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं सेकंड लाइन में जो है डिस्प्ले डाटा यूज इन इंफॉर्मेशन ड्रॉ, इसमें आप जो डिसेबल है इसको आप इनेबल कर दीजिए। इनेबल कर दिया, अभी आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर शो हो रहा है जो डेली का यूज होता है डाटा वो यहाँ पर शो होने लगेगा। तो चलिए अगला, जो यहाँ पर जो कितना स्पीड से चलता है डाटा उसको शो नहीं हो रहा है, तो उसको इनेबल करने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप ये डिसेबल है, इसको आप इनेबल कर देंगे तो ऊपर में शो होने लगेगा। तो चलिए इसको इनेबल कर देता हूँ। इनेबल कर दिया, अभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कितना नेट स्पीड चलता है उसको यहाँ पर शो हो रहा है। तो ऐसे आप अपना डेली का यूज डाटा आप देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक सबसे पहले पहुँच पाए।